السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, माओ बहनों, आज आपसे ये बयान करना है कि ज़कात की क्या शरायत हैं, किन शरायत के ऊपर ज़कात दी जा सकती है। तो इसके लिए कुछ शर्तें हैं जो आज मैंने आपसे बयान करनी हैं। तो इन शरायत को बयान करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त की जाएगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक हर वीडियो जो है वो मेरी टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो अब शुरू करते हैं अपने टॉपिक को कि ज़कात की शरायत क्या है। कौलुहु व शर्तुन वजूबुहा, कि क्या शर्त है कि ज़कात जो है फिर वाजिब होती है। यहाँ वजूब से मुराद जो है वो फर्ज़ियत है, क्योंकि ज़कात कतई फरीज़ा महकमा है, हत्ता के इसका मुनकिर बिल इत्तेफाक उलमा काफिर है। जो ज़कात का मुनकिर है वो काफिर है। ज़कात के फर्ज होने की पांच शर्तें हैं। कितनी? पांच। पांच शर्तें हैं। पहली शर्त यह है, सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि आकिल होना, अकल वाला होना, मजनून नहीं, पागल नहीं, आकल शर्त है। नंबर दो कि बालिग होना, बालिग के ऊपर ज़कात शर्त है। हाँ, बस मजनून और बच्चा पर ज़कात नहीं है। जो छोटा बच्चा है या मजनून एक पागल है उसके ऊपर ज़कात नहीं है, जैसा कि उनकी नमाज फर्ज नहीं है, पागल के ऊपर नमाज फर्ज नहीं है। इसीलिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रफ़ुल क़लम अनिस सलासति अन्नाइम हत्ता यस्तयक़ज़ व अनिस सबी हत्ता यहतलिम व अनिल मअजून हत्ता यअक़िल। इसको रिवायत किया अबू दाऊद ने और आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अली और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इसी के कायल हैं, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वो भी इसी के कायल हैं, और इमाम अहमद फरमाते हैं कि इन पर भी ज़कात फ़र्ज है। इमाम अहमद, यही हज़रत आयशा और इब्ने उमर का कौल है, क्योंकि ज़कात माली तावान है। बस जिस तरह देगर नफकात व गरामात और उशर खराज और सदका फित्र वगैरह की अदायगी इनके लिए ज़रूरी है, तो इसी तरह ज़कात भी ज़रूरी होगी। ये इमाम अहमद का कौल है, ये कहते हैं इनको भी ज़कात देना चाहिए। हाँ, जवाब ये है कि ज़कात इबादत है, बस इसकी अदायगी बिला इख्तियार नहीं हो सकती। जब एक इख्तियार नहीं है तो इसका जवाब ये है, इमाम अहमद जो इसके यानी के मुतज़ाद फैसला देते हैं, मसला बताते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ज़कात इनके ऊपर बनती है। हालांकि ज़कात जो है वो इख्तियार के ऊपर है। जब इनके पास अकल नहीं है तो ये ज़कात कैसे दे सकते हैं। तो इसीलिए और बच्चे और मजनून को अकल के फुकदान की वजह से इख्तियार नहीं है, लिहाजा उन पर ज़कात फ़र्ज नहीं है। जो बच्चा है जिनको अकल नहीं है तो उनके ऊपर ज़कात भी फ़र्ज नहीं है। बखिलाफ नफकात व गरामात के वो हकूकुल इबाद में से हैं, और बखिलाफ उशर और खराज के वो टैक्स मुअन्नस अर्ज़ी है, और बखिलाफ सदका फित्र के वो इबादत का महवा नहीं है। और तीसरी शर्त ये है
कि मुसलमान होना, काफिर के ऊपर ज़कात नहीं है। मुसलमान होना ज़कात देने के लिए लाजमी शर्त है और काफिर पर नहीं, चाहे वो असली काफिर हो या मुसलमान मुर्तद हो गया हो, काफिर हो गया हो, उस पर ज़कात नहीं है, क्योंकि ज़कात इबादत है और काफिर से इबादत मुतहक्किक नहीं हो सकती, नेज वो फरियात का मुखातिब ही नहीं। और चौथी शर्त यह है कि ज़कात देने वाले का आज़ाद होना, गुलाम नहीं आज़ाद होना। पस अब्द महद मुदब्बिर मकातिब उम्मे वलद पर ज़कात नहीं, क्योंकि फर्जियत ज़कात के लिए मलकियत ज़रूरी है, मालिक होना ज़रूरी है। जो गुलाम है, जो किसी के नीचे काम करता है, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है और ये किसी चीज़ के मालिक नहीं है। और मकातिब जो है वो मालिक होता है मगर उसकी मलकियत कामिल नहीं होती है, ना तमाम होती है। और पांचवी शर्त ये है कि निसाब हौली का मालिक होना। हौली निकला है हौल से और इसके मानी होते हैं साल, ये साल की तरफ मंसूब है, यानी जिस माल के ऊपर साल गुजर जाए तो उसको हौली कहते हैं। साल गुजरने की शर्त इसलिए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माल में ज़कात नहीं, फरमाया कि माल में ज़कात नहीं यहाँ तक के उस पर साल गुजर जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माल में ज़कात नहीं है यहाँ तक के उस पर साल गुजर जाए, जिसके ऊपर साल गुजर जाए उसके ऊपर ज़कात है। इब्न माजा। और फिर निसाब हवली का कर्जे से और ज़रूरियत असलिया से फारिग होना भी ज़रूरी है, यानी उसने कर्ज भी ना देना हो और अपनी ज़रूरियात भी ना हो, उसके अलावा माल हो और साल गुजर गया हो, तो ज़कात उसके ऊपर फ़र्ज हो जाएगी। और ज़रूरियात जो असलियाँ हैं, मसलन रोज़मर्रा का खर्च, मकान, सकूनत, सामान, जंग, सर्दी और गर्मी के कपड़े, पेशावरों के औजार, सामान, खानादारी, सवारी के जानवर, अहले इल्म के हक, किताबें वगैरह, ये ज़रूरियात असलियाँ हैं। तो इसके अलावा जो माल होगा वो ज़कात की शरायत में आएगा, उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी, फ़र्ज हो जाएगी, अगर उस माल के ऊपर साल गुजर गया हो। तो ये जो मैंने आपको बताए हैं ये ज़कात के शरायत हैं।